thank mm -hmm. you नमस्कार आप देख रहे हैं, के साथ करते हैं से पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के रुझान के बाद जिला पंचायत जीत की ओर आगे बढ़ रही कांग्रेस पार्टी करनापुर जनपद पंचायत के हिर्री में मतगणना को लेकर ग्रामीणों में दिखा आक्रोश देर रात तक किया गया प्रदर्शन शराब पीने के बाद एक व्यक्ति ने पुलिस बनकर जमकर मचाया उत्पाद असली पुलिस को देखकर उड़े होश नावेगाव में सड़क किनारे टहल रहे एक युवक को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर तेज गर्मी उमस उल्टी दस्त बुखार के बड़े मरीज ओपीडी में दोगुनी हुई मरीजों की संख्या बरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम टबेझरी में बीती रात तीन युवकों ने एक महिला के घर में घुस उसके साथ मारपीट कर दी पुरानी रंजिश को लेकर की गई इस मारपीट में महिला घायल हो गई जिसे उपचार के लिए शनिवार को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है मारपीट में घायल हुई महिला का नाम ग्राम टवेझरी निवासी 27 वर्षीय सुनीता पति लारे बताया गया है जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है प्राप्त जानकारी के अनुसार टवेझरी निवासी सुनीता घरेलू महिला है जबकि उसका पति अनिल लारे मजदूरी का कार्य करता है जो बीती रात चुनाव प्रचार के लिए गया हुआ था रात्रि करीब दस बजे सुनीता घर में थी जबकि उनके घर की मोटरसाइकिल घर के सामने रखी थी इसी दरमियान में धुत मोहल्ले के तीन युवक हाथों में डंडा लेकर आए घर के सामने गाड़ी खड़ी क्यों करते हो कहकर गाली गलोच करने लगे जिस पर सुनीता ने उन्हें गाली देने से मना किया तो उनके बीच विवाद हो गया जिस पर युवकों ने अनिता के घर में उस गर्ल्स के साथ हाथ डंडों से मारपीट की और उसे घायल कर दिया डे मार्ग गाली के लिए देखी बोली गाली के लिए मतदे ऐसे बोली उनका बताएंगे ऐसा कैसे बोलना डंडे ऐसी घर के बाहर के घर के अंदर घर के अंदर उसके बारे पुराना विवाद था उनके साथ नहीं हमारे मुझे ऐसा नहीं

घायल युवक का नाम वार्ड नंबर 24 आकाशवाणी चौक निवासी 26 वर्षीय राजेश पोरमेट बताया गया है जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है घायल युवक का नाम वार्ड नंबर चौबीस आकाशवाणी चौक निवासी छब्बीस वर्षीय राजेश पोरमेट बताया गया है जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक राजेश को उनके परिजनों ने घर के लिए फिनाइल लाने के लिए कहा था जिसके चलते राजेश साइकिल से फिनाइल लाने के लिए बूढ़ी जा रहा था जब वह अंबेडकर चौक पहुंचा तो उसी समय एक अज्ञात ऑटो चालक ने तेज रफ्तार से लापरवाही पूर्वक ऑटो चलाते हुए उसकी साइकिल को ठोस मार दी और फरार हो गया जहां ऑटो की ठोस से युवक की साइकिल टूट गई तो वहीं युवक सड़क में गिरकर घायल हो गया त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दो चरणों के चुनाव होने के बाद आए प्रथम दृष्ट परिणाम के अनुसार अब तक हुए सात जनपद पंचायत के उन्नीस जिला पंचायत क्षेत्रों के प्राथमिक रुझान के अनुसार ग्यारह सीटों पर कांग्रेस दो सीटों पर भाजपा और पांच सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत का दावा पेश किया है वही क्षेत्र क्रमांक पांच में पे अटक गया है भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही प्रत्याशी जीत का दावा कर रहे हैं जिले के कुल 27 जिला पंचायतों में अब 8 जिला पंचायत क्षेत्रों में 8 जुलाई को चुनाव होना बाकी है जिसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और अब तक जिला पंचायत की और अग्रसर हो रही कांग्रेस अपनी जीत को ऐसे ही बरकरार रख पाती है या फिर उसकी जीत के बीच में भाजपा समर्थित प्रत्याशी खड़े हो जाते हैं चलिए बात करते हैं इसके पहले एक जुलाई को जिले के तीन जनपद पंचायत क्षेत्र की नौ जिला पंचायत सीटों पर हुए चुनाव के प्रथम दृष्टि मिले आंकड़ों के अनुसार नौ में से फिर जिला पंचायत सीट पर पांच कांग्रेस दो पर निर्दलीय और एक पर भाजपा प्रत्याशी ने अपनी जीत का दावा पेश किया है वहीं एक स्थान पर हार जीत की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही है चलिए आपको जनपदवार जीत का दावा पेश करने वाले प्रत्याशियों की जीत के बारे में जानकारी दे देते हैं जो इस प्रकार से है जिसमें सबसे पहले बात करते हैं दूसरे चरण के लिए हुए तीन जनपद पंचायत किरणापुर लांजी और कटंगी क्षेत्र के नौ जिला पंचायत क्षेत्र की किसने कहां से जीत का दावा पेश किया है कटंगी जनपद पंचायत की तीन जिला पंचायत सीट में से दो पर कांग्रेस और एक पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत का दावा पेश किया है जिसमें निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य और कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री केसर बिसेन क्षेत्र क्रमांक तेरह से क्षेत्र क्रमांक चौदह से कांग्रेस प्रत्याशी महेश बोरकर और क्षेत्र क्रमांक 15 से निर्दलीय प्रत्याशी प्रियंका पराते ने अपनी अपनी जीत का दावा पेश किया है लांजी जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले तीन जिला पंचायत क्षेत्र में मिले जुले परिणाम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर क्षेत्र क्रमांक सात से निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति उमरे क्षेत्र क्रमांक आठ से भाजपा प्रत्याशी डूलिचंद राजनेरे और क्षेत्र क्रमांक नौ से मीना दशेरी ने अपने जीत का दावा पेश किया है कृणापुर पंचायत के अंतर्गत आने वाले तीन जिला पंचायत क्षेत्र में से दो कांग्रेस जीती तो एक में हार जीत के दावों पर पेच अटक गया है इस दौरान क्षेत्र क्रमांक चार से निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य कांग्रेस प्रत्याशी डालिकाओरे क्षेत्र क्रमांक पांच से कांग्रेस और भाजपा दोनों ही प्रत्याशी जीत का दावा कर रहे हैं वहीं क्षेत्र क्रमांक छह से मीरा सिंगन धूपे ने अपनी जीत का दावा पेश किया है इसी तरह बात करें पहले चरण के 25 जून को हुए चुनाव के दौरान चार जनपद पंचायत क्षेत्र के 10 जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र की तो यहां पर भी कांग्रेस भाजपा और निर्दलीय से आगे दिखाई दे रही थी जिसमें दस में से पांच सीट पर कांग्रेस तीन निर्दलीय और दो में भाजपा के प्रत्याशी जीत का दावा कर रहे हैं आपको बता दें कि पंचायत पंचायत के अंतर्गत आने वाले तीन जिला सदस्यों में जिला पंचायत सदस्य क्रमांक 10 में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी लोमहर सेन ग्यारह में निर्दलीय प्रत्याशी व भाजपा के बागी निर्दलीय पूजा मनोज टेमरे क्षेत्र क्रमांक 12 में भाजपा समर्थित गीता हनवत खल्याण जी पंचायत के अंतर्गत क्षेत्र क्रमांक सोलह से निर्दलीय प्रकाश हुके क्षेत्र क्रमांक सत्रह से भाजपा के सुनीता बहटवार जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक अठारह से निर्दलीय मधु शुक्ला पंचायत के अंतर्गत आने वाले दो जिला पंचायत क्षेत्र जिसमें क्षेत्र क्रमांक 22 से कांग्रेस समर्थित महेश धुर्वे 23 से कांग्रेस समर्थित मनसाराम मंडावी इसी तरह परसवाड़ा जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दो जिला पंचायत सदस्य 26 से कांग्रेस समर्थित तामेश्वर पटले और 27 से कांग्रेस समर्थित दल सिंह पंद्रे ने अपनी जीत का दावा किया है आपको बता दें कि निर्वाचन की प्रक्रिया के अनुसार 14-15 जुलाई को जिला पंचायत जनपद पंचायत सदस्यों का सारणीकरण और ग्राम पंचायत सरपंच पंच के अधिकृत घोषणा की जाएगी हालांकि उपरोक्त तो जिन प्रत्याशियों का नाम हमारे द्वारा जीत का दावा किए जाने की बात के लिए बताया जा रहा है इसके अलावा इन क्षेत्रों से अन्य किसी प्रत्याशियों के द्वारा जीत का दावा नहीं किया जाए इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि जिन प्रत्याशियों के द्वारा जीत का दावा किया जा रहा है सौ प्रतिशत वे इस चुनाव में जीत चुके हैं बारिश शुरू होते ही जिला अस्पताल और निजी क्लिनिकों में बुखार उल्टी दर्द स्किन डिजीज जोड़ों के दर्द के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है इसका कारण दूषित पानी बताया गया है जिला अस्पताल अधिकारी ने बताया कि वर्षा ऋतु में शरीर में वात पित्त और कप ये तीनों दोष घटते बढ़ते रहते हैं इस ऋतु में वात का प्रकोप और पित्त का संचय होता है जठराग्नि मंद और शरीर बलहीन हो जाता है बड़े हुए विकृत वात के कारण जोड़ों में दर्द आमवाद गठियावाद दमा जैसी बीमारियां संचित पित्त के कारण त्वचा में फोड़ी उन एक्जिमा अरुचि अपचन खट्टी डकार उल्टी दस जैसी समस्याएं होती खटी डकार उल्टी दस जैसी समस्याएं होती है साथ ही वातावरण में हरियाली के साथ नमी और रुक्षता के कारण मच्छर और मक्खियाँ बढ़ जाती है इससे डेंगू मलेरिया हैजा उल्टी दस के मरीज़ ज़्यादा मिलते हैं है। वहीं दूसरी ओर बालाघाट के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना वायरस बढ़ते जा रहा है इसको देखते हुए लोगों में भय व्याप्त हो रहा है कि अचानक इतनी अधिक मात्रा में लोग कैसे बीमार पड़ रहे हैं हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी यही जानकारी दे रहे हैं कि जिले में अभी किसी भी व्यक्ति को कोविड 19 की पुष्टि नहीं हुई है बीते दिनों दो लोगों में कोविड की पुष्टि हुई थी जो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए नवेगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम नवेगांव पेट्रोल पंप के समीप एक तेज रफ्तार कार ने दोस्त के साथ टहलने निकले एक युवक ग्राम नवेगांव निवासी 22 वर्षीय आकाश बघेल घायल हो गया जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है प्राप्त जानकारी के अनुसार आकाश अपने दोस्त रोहित पटले के साथ शनिवार की सुबह करीब छ बजे टहलने गया था जब वे टहलकर वापस लौट रहे थे तभी नवेगांव पेट्रोल पंप के पास गोंदिया की तरफ से आ रही एक कार के चालक ने लापरवाही पूर्वक तेज रफ्तार से वाहन चलाते हुए उसे ठोस मार दी जिससे आकाश सड़क पर गिरकर घायल हो गया आकाश के घायल होने पर उसके दोस्त रोहित ने मारुति कार रुकवा कर उसी गाड़ी से आकाश को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है जहाँ उसका उपचार जारी है पत्नी का तलाक लेकर मायके चले जाना और बार बार बुलाने पर भी वापस ना आना उसके पति को इतना नागवार गुजरा कि पत्नी के वियोग में पति ने जहर का सेवन कर लिया जिसकी तबीयत खराब होने पर उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है नवेगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बगदरा में आत्महत्या के इरादे से जहर का सेवन करने वाले अट्ठाईस वर्षीय दीपक दमहाये को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है जहाँ उसका उपचार जारी है प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम बगदरा निवासी दीपक मजदूर है जो बालाघाट स्थित गुजराती स्वीट्स में मजदूरी का कार्य करता है एक महापूर्व ही पारिवारिक विवाद को लेकर दीपक और उसकी पत्नी शालू दमाहे के बीच तलाक हो गया था जहाँ पत्नी शालू दीप, पति दीपक को तलाक देकर अपने मायके के चले गए जिसे दीपक फोन कर बार बार वापस बुला रहा था लेकिन शालू ने उसके पास दोबारा वापस आने से इनकार कर दिया बार बार फोन कर बुलाने पर भी पत्नी शालू के वापस न आने से दीपक मानसिक तनाव में था जितने जिसने काम पर बालाघाट आते समय रास्ते में ही कचरा मारने की जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया बारासोनी मार्ड नंबर तीन बड़ी नहर के फाटे से निकली छोटी नहर की साफ सफाई न होने से इस हिस्से में रहने वाले लोग काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं वही किसान वर्ग भी इस समस्या को एक बड़ी समस्या बता रहे रहवासियों का कहना है कि मानसून प्रारंभ हो चुका है लेकिन बीते वर्षों की अपेक्षा सिंचाई विभाग ने अभी तक नहर की सफाई नहीं करवाई जिससे नहर में झाड़ियां के अलावा ईट झिल्ली सहित अन्य कूड़ा करकट भी जमा हो चुका है जिसकी वजह से सांप बिच्छू आए दिन निकल रहे हैं जो घर के भीतर तक पहुंच जाते हैं जिससे उनमें भय का वातावरण बना हुआ है ऐसे में सिंचाई विभाग को तत्काल ही छोटी नहर की साफ़ सफाई करनी चाहिए नहर से परेशानी ये हो रही है कि बरसात चालू हो चुकी है और यह नहर में साफ़ सफाई नहीं हुई है विगत कुछ दिनों से इसके कारण साफ सफाई नहीं होने के कारण सांप बिच्छू का डर लगा रहता है नालियों की सफाई नहीं हुई है यहाँ सफ़ाई होना जरूरी है बस अब आपके चाहते हैं कि नाली की सफाई हो नहर जो हमारे घर के सामने है इसकी सफ़ाई होनी चाहिए समय समय पर जिससे लोगों को और भी परेशानी ना हो पानी जो है पूरा बहता है रोड में नुकसान वही हो रही है सर पानी की अवस्था बहुत गंभीर हो रही है सफाई नहीं करने से पानी नहीं मिल रहा है जब सफाई से नहीं कर रहे हैं तो पानी कहाँ से मिलेगा पहले जो सफ़ाई करते थे तो पानी भरपूर मिलता था अभी सफाई नहीं हो रही है किसी के जो पहले बार जो है जिसका मोहगा पड़ गया वही थोड़ा सा अड़ा हुआ किए पानी खोल दिया अगले वाले को पानी जाता नहीं पर हम लोग पहले सफ़ाई करते थे तो भरपूर पानी मिलता था पूरे मूँगे खुलने के बाद में भी हमारे खेत में पानी आता था सिंचाई विभाग के निरीक्षक विष्णु मस्कुल्ले ने बताया कि निर्वाचन कार्य के कारण अभी हमारे द्वारा साफ सफाई के लिए किसी भी ग्राम पंचायत को एनओसी जारी नहीं की गई है और न ही किसी ग्राम पंचायत ने, ने एन ओ के लिए आवेदन किया है जैसे पंचायत के द्वारा साफ सफाई करवाई जाती है आगामी समय में साफ सफाई नहीं होती है तो विभाग के द्वारा व्यवस्था बनाई जाएगी आगामी 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान होगा जहां राज्य सरकार की तरफ से अवकाश रखा गया है परंतु केंद्र सरकार की इस के इस्पात मंत्रालय के अधीन कार्यरत मोयल लिमिटेड भरवेली में मोयल में अवकाश न होने के कारण मतदाताओं का बहुत बड़ा वर्ग मतदान करने से वंचित रह जाएगा इस बात को ध्यान में रखते हुए पूर्व जनपद पंचायत सदस्य श्रीमती गीता अनिल विषेन ने शनिवार को जिला निर्वाचन अधिकारी बालाघाट को ज्ञापन सौंपते हुए 8 जुलाई को मॉयल में मतदान के दिन अवकाश रखे जाने की मांग की है ताकि सभी कामगार कर्मचारी वर्ग निश्चिंत होकर अपने मत का प्रयोग कर सके उन्होंने बताया कि अवकाश न रहने से कामगार कर्मचारी वर्ग को कंपनी में कार्य पर जाना पड़ेगा मतदान का समय सुबह सात बजे से दोपहर तीन बजे तक निर्धारित है इसमें अवकाश न रहने से मॉयल वर्कर को टाइम एडजस्टमेंट में तकलीफ जाएगी और वह मतदान जैसे महत्वपूर्ण और कार्य से वंचित हो पाएंगे अंततः कामगार कर्मचारी बेफिक्र होकर मतदान में, 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 में भाग ले सके इस बात को को ध्यान में में रखते हुए शासन मोयल लिमिटेड भरवेली जुलाई अवकाश ड्यूटी सुबह आठ से चार बजे तक है वह समय अभाव के कारण मतदान में भाग नहीं ले सकेंगे मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल के द्वारा हर साल की तरह आवासीय विद्यालय चयन परीक्षा का आयोजन किया गया है एक साथ पूरे मध्य प्रदेश में रविवार को आयोजित इस चयन परीक्षा में जिले के विभिन्न स्कूलों में अध्ययन करने वाले कक्षा से कर कक्षा से लेकर तक के विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे जिनकी चयन परीक्षा ई एफ ए सेंटर में ली जाएगी रविवार की सुबह दस बजे से बारह बजे तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा मध्य प्रदेश राज्य राजमुक्ति स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल द्वारा आयोजित श्रमोदय आवासीय विद्यालय चयन परीक्षा का आयोजन कल पूरे मध्य प्रदेश में दिनांक तीन जुलाई को होने जा रहा है इसका समय दस बजे से बारह बजे तक रखा गया है इसमें कक्षा छठवीं सातवीं आठवीं और नौवीं के बच्चे प्रवेश के लिए इसमें परीक्षा देंगे जिले में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में एक जुलाई को शुक्रवार को किर्णापुर लांजी क्षेत्र में मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई गई कृणापुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत हिरी में चुनाव परिणाम जारी होने के बाद उस वक्त हंगामा मच गया जब मतगणना के बाद सरपंच पद के लिए खड़ी हुई सुरेश नागेश्वर ने पीढ़ासीन अधिकारियों को बताया कि वार्ड नंबर 14 और वार्ड नंबर 15 के ग्रामीणों ने भी इस मतदान प्रक्रिया में भाग लेकर अपने मताधिकार का उपयोग किया था लेकिन वोटों की गिनती में उनके द्वारा दिए गए वोट की पेटी की मतगणना नहीं की गई नंबर नंबर और के मतदान की पेटी को खोला ही नहीं गया और न ही उनकी गिनती की गई दोनों वांड की, की मतगणना किए बगैर ही चुनाव परिणाम घोषित कर दिया गया उसी को लेकर प्रत्याशी के समर्थक आक्रोशित हो गए जिन्होंने मतदान केंद्र के बाहर जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया उधर मामले की जानकारी मिलने पर लांजी विधायक हिनाकावरे मतदान केंद्र पहुंची जहां उन्होंने आक्रोशित भीड़ को समझाई देकर मामला शांत कराया बताया जा रहा है कि प्रदर्शन करने वाले ग्रामीण लगातार पुनः मतदान कराने या फिर वार्ड नंबर चौदह और वार्ड नंबर पंद्रह की पेटियों को खोलने की लगातार मांग कर रहे थे पीड़िता पारासर एम सुरेश नागेश्वर पति सीयू चुनाव हो रद्द होना एक दो वार्ड का वार्ड को गिरा नहीं वोट गिनती नहीं आए मतदान नहीं हुआ मतदान हो गया, गया, गया। गिनती नहीं आए पेटी नहीं हुआ बोलता जोदावार जोदावार, पेटी नहीं आए। पेटी नहीं बाराशी नगर के देशी शराब दुकान में शनिवार को एक युवक अपने साथियों के साथ शराब पीकर अपने आप को पुलिसकर्मी बताकर शराब दुकान व होटल में तोड़फोड़ कर कर्मचारी के साथ मारपीट कर दी प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी वार्ड नंबर नौ निवासी संजय सेलारे की दुकान गंगोत्री कॉलोनी स्थित देशी शराब दुकान के परिसर में है शनिवार के दोपहर एक बजे बालाघाट निवासी नरेंद्र कुमार अहिरवार अहिवार राणा अन्य एक व्यक्ति के साथ में शराब पीने के देशी शराब दुकान में आए थे जहां उन्होंने शराब दुकान परिसर में संचालित होटल से खाने की सामग्री खरीदी जिसका शुल्क दुकान कर्मचारी के द्वारा मांगा गया तभी उनमें से एक युवक उठकर स्वयं को पुलिस वाला बताते हुए अपना नाम नरेंद्र अहिरवार बेचकर मांग सात सौ उनसठ पुलिस लाइन बालाघाट में पदस्थ होना बताकर वहां वारंट तामिल कराने वारस ने आने की जानकारी दी गई इसके बाद वहां दुकान में तोड़फोड़ और गाली गलूच करने के साथ ही होटल संचालक पर हमला भी कर दिया लेकिन अहात संचालक खुशकिस्मत था कि उसे कुछ नहीं हुआ मौके पर पहुंची वारासी पुलिस ने शराबी युवक और उसके एक साथी को अपने साथ थाना लेकर आई जहां प्रार्थी संजय सेलारे ने पहुंचकर दुकान में उपद्रव कर रहे दो युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर नरेंद्र कुमार अहिरवार रंजीत राणा दोनों निवासी बालाघाट के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा दो सौ चौरानबे तीन के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया है और उक्त दोनों व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा में है